करीब 50 लाख कीमत की 4 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर की कमान जब से पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने संभाली है, तब से शाहजहांपुर में अपराधों पर काफी हद तक विराम लगा है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल। टीम के साथ कानून व्यवस्था बनाने रखने व रोकथाम जुर्म जरा राम तलाश वांछित अपराधी से भ्रमशील थे। उसी दौरान उनको मुखबिर से सूचना मिली कि सियाउरा रोड काली से 50 मीटर आगे स्विफ्ट VDI कार में साबर 2 अभियुक्त अफीम के साथ खड़े हुए हैं। 2 किलो अफीम बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट का तहत मुकदमा दर्ज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार जनपद में अभियान चल रहा है और इसी क्रम में कल थाना कटरा को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जिनके कब्जे से कुल 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। मुखबिर के जरिए से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस अफीम को यहाँ इसकी खपत करने के लिए ला रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मुबारक, जो फतेहगंज पूर्वी का रहने वाला है, और दूसरा जो गुरलाल सिंह, ये तरन तारण पंजाब का रहने वाला है। इनके द्वारा भी गहन पूछताछ में यह बताया गया है कि अफीम जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, यद्यपि इस बारे में और छानबीन की जा रही है और इनके स्रोत और इनके खपत जिन लोगों के माध्यम से की जा रही है उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है, और जो भी अन्य व्यक्ति इसमें संलिप्तता जिनकी पाई जाएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।